नहीं थमेगा दिव्यांगों का कारवां। दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा में हुई राष्ट्रीय विकलांग मंच की एंट्री, 16 राज्यों में सक्रिय संगठन। मध्य प्रदेश का गुना जिला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 13 दिनों से जिले में प्रदेश स्तरीय आंदोलन दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा चल रही है। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के दिव्यांग पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 किलोमीटर की पदयात्रा राघोगढ़ के दौरान चौराहा से गुना कलेक्ट्रेट तक की जा रही है। यह पदयात्रा 28 फरवरी को शुरू हुई थी, अब इस आंदोलन में एक नया मोड़ ले लिया है। इस आंदोलन में राष्ट्रीय विकलांग मंच की एंट्री हो चुकी है, जो कि संपूर्ण भारत में दिव्यांगों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। वर्तमान में यह संगठन 16 राज्यों में कार्य कर रहा है और मध्य प्रदेश के 21 जिलों में सक्रिय रूप से कार्यरत है। बताइए, यात्रा में क्या व्यवस्था और क्या असफलता दिखाई दे रही है तुम्हें? देखिए, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में जो चिंगारी लगी है वो अब एक विकराल रूप ले चुकी है। जी, अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि भारत के जो सबसे बड़ा संगठन है दिव्यांगों का, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकलांग मंच, उसके द्वारा दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा को समर्थन दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो विकलांग मंच है वो 16 जिलों में काम कर रहा है और उनके द्वारा हमें कहा गया है कि एक साथ एक दिन एक समय पर 16 जिलों में दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा आयोजित कर संबंधित कलेक्टरों को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार अब इस बात को अच्छे से समझ ले कि दिव्यांगों का कारवा थमने वाला नहीं है। जी, और कहाँ कहाँ से जन सेवा आपको मिल रही है लोगों की? देखिए, जो दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा संचालित हो रही है लगातार 13 दिनों से, उसमें समाज सेवियों का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। गुना शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री राजेंद्र तिवारी जी के द्वारा लगातार 5-6 दिनों से हम लोगों के दोपहर की भोजन की व्यवस्था की जा रही है, एवं गुना नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री प्रमोद भार्गव जी के द्वारा हमारी एक समय की 5 दिनों से लगातार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अन्य समाज सेवी भी हमारे भोजन की व्यवस्था करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम ऐसे समस्त समाज सेवी और सभी संगठनों का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील पंत। आपके शहर की, आपके जिले की, आपके राज्य की और देश विदेश की हर खबर के लिए जुड़े रहिए अच्युत न्यूज़ लाइव टीवी पर। देखते रहिए हमारे साथ अच्युत न्यूज़ लाइव टीवी।